हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को 56 डेज के बाद में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन की प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इस एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है दिल्ली में अक्षरधाम के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से और आगे की तरफ बढ़ते हुए रमेश पार्क, गीता कॉलोनी, गांधीनगर से होते हुए शास्त्री पार्क से पहले ये क्रॉस करके जाएगा इंडियन रेलवे के पुरानी दिल्ली के ट्रैक को और दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन को और यहाँ पे एंटर हो जाता है शास्त्री पार्क में। खजूरी खास और करावल नगर होते हुए दिल्ली यूपी की बॉर्डर पे जाके एंड हो जाता है 14.75 किलोमीटर लंबा दिल्ली सेक्शन, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है गावर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो राइट नाउ मैं हूँ अक्षरधाम टेंपल के पास में। तो यहाँ पे लेफ्ट लेने के बाद में जो लेन वाइडनिंग का काम किया जा रहा था वो देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बस लेफ्ट साइड में थोड़ा सा काम पेंडिंग है। और आगे की साइड में यहाँ पे नई पेवमेंट के बाद में लेन मार्किंग का काम हो चुका है। पिछली बार नई पेवमेंट का काम किया जा रहा था। और यहाँ पे आ जाता है ये रेलवे ओवर ब्रिज, तो इसके लेफ्ट साइड में नया रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो एरियल व्यू से देख सकते हो लेफ्ट साइड में नया रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो रेलवे लाइन से पहले के जो पियर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो चुके हैं, इनकी प्रीवियस अपडेट ये थी। और रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद के पियर्स रेडी हो चुके हैं, अब इनके ऊपर काम किया जा रहा पियर कैप का, इनकी प्रीवियस अपडेट ये थी। तो यहाँ पे अभी सिर्फ पियर वर्क ही किया जा रहा है, अभी दोनों साइड में अप्रोच रोड्स का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की साइड में भी नई पेवमेंट का काम हो चुका है, तो इस वाले एरिया में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब आगे की साइड में आने के बाद में रमेश पार्क में जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उसकी अप्रोच रोड के बीच में देख सकते हो डीबीएम वर्क हो चुका है, जो पिछली बार नहीं हुआ था। और आगे की साइड में यहाँ पे फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जो पिछली बार नहीं हुआ था। और दूसरी साइड की अप्रोच रोड का काम अभी अच्छा खासा पेंडिंग है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो मैं अब आ चुका हूँ गीता कॉलोनी से आगे की साइड में गांधीनगर के पास। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी अप्रॉक्स 6.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन की। तो मेनली जो एक्सप्रेसवे है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अप्रोच रोड का काम अभी पेंडिंग है और आगे की साइड में यहाँ पे फ्लोरिंग का काम हो चुका है, जो पिछली बार नहीं हुआ था। और इस पॉइंट की प्रीवियस अपडेट ये थी।
तो देख सकते हो यहाँ से आगे की साइड में फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ था पिछली बार। तो अभी यहाँ तक ही किया गया है फ्लोरिंग का काम और यहाँ से आगे की साइड में काफ़ी लंबे स्ट्रेच में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब काम किया जा रहा शटरिंग का और फ्लोरिंग का। प्रीवियस अपडेट की मैं बात करूँ तो देख सकते हो पिछली बार पियर कैप का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ तक हो चुका है गर्डर लॉन्चिंग का काम जो पिछली बार नहीं हुआ था। आगे की साइड में यहाँ पे ये दो पियर्स हैं, इनका काम पेंडिंग है। ये एक पियर और है। और अगले दोनों पियर्स को रेडी करने का काम स्टार्ट हो चुका है। इनकी प्रीवियस अपडेट ये थी। और रोड से आगे की साइड में यहाँ पे जो पियर्स बनाए जा रहे हैं इनको भी रेडी करने का काम अभी पेंडिंग है। इनकी प्रीवियस अपडेट ये थी। और ये आ जाती है पुरानी दिल्ली की रेलवे लाइन और सामने की साइड में रेड लाइन। तो यहाँ पे अभी पियर पाइलिंग और पियर फाउंडेशन का काम कंप्लीट होना है। और आगे की साइड में देख सकते हो पियर रेडी हो चुके हैं काफी हद तक। इनकी प्रीवियस अपडेट ये थी। तो शास्त्री पार्क में फ्लाईओवर से पहले पियर कैप का केज रेडी करने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो शास्त्री पार्क में होगा एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे ये एक रैंप है, इसके जस्ट साइड में एक रैंप और होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गर्डर लॉन्चिंग का काम हो गया जो पिछली बार नहीं हुआ था। और यहाँ पे मेन कैरिज वे के लिए भी गर्डर लॉन्चिंग का काम हो गया। और ये काफी लंबा एलिवेटेड सेक्शन बनके रेडी हो चुका है। और यहाँ पे जो एग्जिट के लिए रैंप बनाया जा रहा है उसके ऊपर भी फ्लोरिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस स्टार्टिंग और एंडिंग वाले एरिया में पेंडिंग है। और इस एलिवेटेड सेक्शन के नीचे मीडियन के लिए क्रैश बैरियर्स को लगाने का काम स्टार्ट हो चुका है। और अभी यहाँ पे लेन वाइडनिंग का काम भी किया जाएगा सर्विस रोड के लिए। और आगे की साइड में ये बनाया जा रहा है यहाँ पे एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर चढ़ने के लिए रैंप। तो इस रैंप के ऊपर भी फ्लोरिंग का काम हो चुका है, बस यहाँ पे पेंडिंग है। और यहाँ से पीछे की साइड में मेन कैरिज वे के ऊपर यहाँ पे फ्लोरिंग का काम पेंडिंग है। और यहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग का। बाकी इसके अलावा देख सकते हो खजूरी खास वाली साइड में फ्लोरिंग का काम हो गया। तो यहां तक हो चुका है फ्लोरिंग का काम और यहां से आगे की साइड में रैंप बनाया जा रहा है एग्जिट के लिए। तो यहाँ पे ये जो रैंप के लिए पियर्स बनाए जा रहे हैं इसमें ये एक पियर है जिसके ऊपर पियर कैप का काम पेंडिंग है। और आगे की साइड में फ्लोरिंग का काम हो चुका है रैंप के ऊपर। और फ्लाईओवर से पहले मेन कैरिज वे के लिए जो पियर्स हैं इनके ऊपर पियर कैप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
तो इस पॉइंट की प्रीवियस अपडेट ये थी। तो देख सकते हो पिछली बार रैंप के स्टार्टिंग वाले एरिया में फ्लोरिंग का काम नहीं हुआ था और फ्लाईओवर से पहले के पियर बन के रेडी नहीं हुए थे मेन कैरेज वे के लिए, जो इस बार यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। और फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद के पियर्स के ऊपर भी पियर कैप का काम किया जा रहा है। इनकी प्रीवियस अपडेट ये थी। तो फ्लाईओवर के इस साइड में भी पियर कैप का काम काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ पियर रह गए हैं जिनके ऊपर पियर कैप का काम होना है। और यहाँ पे एलिवेटेड सेक्शन के लास्ट में फ्लोरिंग का काम हो चुका है, जो पिछली बार नहीं हुआ था। और आगे की साइड में देख सकते हो मेन कैरेज वे और सर्विस रोड का काम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो एलिवेटेड सेक्शन के एंड होने से थोड़ा सा आगे की साइड में आने के बाद में ये देख सकते हो लेफ्ट साइड में सर्विस रोड के लिए DBM का काम हो गया है। यहाँ पे मेन कैरेज वे के लिए RE पैनल्स को लगाने का काम पेंडिंग है। और यहाँ पे हो चुका है गर्डर लॉन्चिंग का काम, जो पिछली बार नहीं हुआ था। तो आज यहाँ पे पुलिस लाइन में कोई एग्जाम था तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ का आप लोगों को ड्रोन शॉट नहीं दिखाया। आगे की साइड में यहाँ पे भी गर्डर लॉन्चिंग का काम होके शटरिंग का काम हो चुका है। प्रीवियस अपडेट ये थी। तो अभी एक ही साइड में शटरिंग का काम हुआ है और आगे की साइड में दोनों तरफ की एक्सप्रेसवे की लेन और राइट साइड की सर्विस रोड का काम पेंडिंग है। और यहाँ से आगे की साइड में दोनों तरफ की सर्विस रोड और मेन कैरेज वे का काम पेंडिंग है। तो ये आ जाती है दिल्ली UP की बॉर्डर। यहाँ से आगे की साइड में है फेस 1 Package 2, जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा अक्टूबर में। तो बस करते हैं यहीं पे ख़त्म इस वीडियो को। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।